स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जी लैंड शेयर के बारे। इसका पूरा नाम है जी लैंड लिमिटेड। आज हम लोग इस शेयर का चार्ट रीडिंग करके जानेंगे इसका टारगेट और स्टॉप लॉस 3 आवर के चार्ट से लेकर मंथली चार्ट तक। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड। हम लोग टेक्निकली फंडामेंटली और न्यूज़ को भी जानेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं 3 आवर का चार्ट सेट करता हूँ। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोग के लिए इस टाइप की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 3 आवर के चार्ट पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 7 रुपये 40 पैसा का। सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा 7 रुपये 60 पैसा का। और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 8 रुपये का। अब हम लोग बात करेंगे इसका स्टॉप लॉस की। इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 7 रुपये का। इसका सेकंड स्टॉप लॉस होगा 6 रुपये 80 पैसे का। और इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा 6 रुपये 40 पैसे का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं डे कैंडल पे। डे कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 7 रुपये 60 पैसा का। सेकंड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 8 रुपये 45 पैसे का। और थर्ड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 9 रुपये 70 पैसे का। 9 रुपये 70 पैसे का। अब हम लोग बात करेंगे इसका स्टॉप लॉस की। इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 6 रुपये 80 पैसा का। इसका सेकंड स्टॉप लॉस होगा 6 रुपये 35 पैसे का। और इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा 5 रुपये 50 पैसे का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं वीकली कैंडल पे। वीकली कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 10 रुपये का। सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा 15 रुपये का। और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 20 रुपये का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 5 रुपये 90 पैसे का। इसका सेकंड स्टॉप लॉस होगा 4 रुपये 65 पैसे का। इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा 1 रुपये 75 पैसे का। आ चुके हैं हम लोग जी लर्न शेयर पे। तो इस पर टिक करते हैं। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल्स के अंदर और देखते हैं क्या है इसके फंडामेंटल्स में। तो फंडामेंटल्स के अंदर हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड, और आप लोग देख सकते हैं एक मंथ रिटर्न की बात करें 2.72% का नेगेटिव रिटर्न है। 1 ईयर रिटर्न की बात करें 46.04% का नेगेटिव रिटर्न है। मार्केट कैप की बात करें 233 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 52 वीक हाई की बात करें 20 रुपये 60 पैसे का इसका हाई है। 52 वीक लो की बात करें 5 रुपये 70 पैसे का इसका लो है। और शेयर होल्डर्स की बात करें 1.6 लाख इसका शेयर होल्डर्स है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका इवेंट्स। तो इसका इवेंट 14 अक्टूबर को अनाउंसमेंट किया गया था। और आप लोग इसके बारे और जानना चाहते हो तो आप लोग इसके अंदर घुस के देख सकते हो, मुझे तो आगे बढ़ना है। और न्यूज़ की बात करें तो इस शेयर पर कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है फ्रेंड। तो आशा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।